सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कश्मीर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। गुटेरेस कहा कि वह कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। गुटेरेस से पूछा गया कि क्या वह कश्मीर विवाद के हल की खातिर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जवाब में गुटेरेस ने हंसते हुए कहा, आखिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 3 बार और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार क्यों मिला हूँ। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से जब भी कश्मीर में हालात को लेकर महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया गया था, उन्होंने बार बार यही जवाब दिया कि क्षेत्र के हालात पर गुटेरेस करीब से नजर रख रहे हैं। इसके समाधान के लिए यूएन प्रमुख ने कोई सीधा दखल नहीं दिया है, बल्कि भारत और पाकिस्तान से वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण हल निकालने के अपने आह्वान को ही दोहराया। पाकिस्तान यूएन में लगातार कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है और इस विवाद में दखल देने की मांग रखता रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा यह कहा है कि कश्मीर उसके और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, लिहाजा इन दोनों देशों को मिलकर ही इसे सुलझाना होगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।